नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके युग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा हटके है। और हटके क्या भाई, आपके लिए रीजनिंग से शुरुआत की है और रीजनिंग में भी शुरुआत की है भाई, वो आपके रिश्ते संबंधित, ब्लड से संबंधित, जो आपके रिश्ते आपके जीवन में घटते हैं, चाचा बुआ मौसी बहन भाई जितने भी रिश्ते हैं वो सब। ठीक है, तो ज्यादा बात तो हम करेंगे ही नहीं, सीधा सवाल करेंगे। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है। रवि के पिता, तो रवि क्या लगा भैया, रवि भी तो बेटा ही है उसका। बिल्कुल सही बात है, रवि के पिता मान लेते हैं हम जेड। रवि का पिता जिसका एक बेटा यानी एक पुत्र कौन है, रोहित। रोहित बिल्कुल सही है जी। अब ये दोनों क्या हो गए, तो ये दोनों भी भाई हो गए। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, क्योंकि एक मात्र नहीं बोला है ना, तो ये भाई हो गए दोनों। ठीक है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है तो वो रवि की भी बुआ है, रोहित की भी बुआ है, तो जेड की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है जी, तो बुआ, ये बुआ हो गई यहाँ पर। बुआ, बुआ कौन है, लक्ष्मी, लक्ष्मी बुआ है, तो इसकी क्या हो गई भाई, लक्ष्मी बहन हो गई। जेड की क्या लगी, बहन, और रवि की क्या लगी, बुआ। ठीक है जी, जिसके पति राव, लक्ष्मी का पति कौन है, पति नाम है राव, राव नाम है। ठीक है जी, राव, उसके बाद बोल रहा है पति राव के ससुर मोहन कौन है, ससुर, और ससुर कौन होता है, ससुर भैया पत्नी के पापा है ना, पत्नी के पापा होते हैं ससुर, तो ये क्या हो गए, ये लक्ष्मी के पिता हो गए, लक्ष्मी के पिता। ठीक है जी, तो कह रहा है मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो भाई रवि से क्या संबंध है मोहन का, तो हमको ये रवि से मोहन का संबंध बताना है। तो एक बार अपने आप को रख लेते हैं, मानो कि ये मैं हूं रवि, ये मेरे पापा हैं, रोहित मेरा भाई है, और ये मेरे पापा की बहन मेरी क्या लगी, बुआ, बुआ के पति हमारे पापा के क्या लगे, जीजा, और हमारे क्या लगे, फूफा। ठीक है ना, और इनके क्या है, दामाद, और इनके ससुर। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी के पिता है तो पापा के भी पिता हो गए, और पापा के पिता हमारे क्या लगेंगे, दादा, क्या लगेंगे बच्चा, दादा, क्लियर है ना, तो आपको उत्तर है इसमें दादा। बेहतरीन सवाल है भाई एकदम, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा, क्या कहा, माता ने रामू से कहा, रामू से, तो ये क्या हो गया, पुत्र हो गए, तो सही बात है जी। और किस तरह कहा, कि मेरी माता, किसकी माता, मम्मी की जो माता है, माँ, हम यहां पर वाई मान लेते हैं, मम्मी की माँ जो है वाई है। मेरी माता का एक बेटा, एक बेटा जेड, तो माँ का क्या लगा, वो भाई, सही बात है ना, भाई। जिसका एक पुत्र कौन है, अंचित, इसका भी एक पुत्र है, कौन है वो अंचित है। ठीक है, तो अंचित का रामू के साथ क्या संबंध है, रामू के साथ क्या संबंध है, देखो रामू बताएगा इसके बारे में, रामू के साथ क्या संबंध है ना, रामू के साथ देखो एक बार अपने आप को रख लेते हैं, ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, मम्मी की माँ मेरी क्या लगी, नानी, नानी के बेटा मेरे क्या लगे, मेरे तो मामा लगे, मम्मी के भाई लगे, मामा का बेटा मेरा क्या लगा, ममेरा भाई, क्या लगा भाई मेरा, ममेरा, ममेरा भाई, मैं इसका क्या लगूंगा, अगर मुझसे पूछता तो मैं इसका फुफेरा भाई, सही बात है, तो उत्तर आपका क्या हो गया बच्चा, ये हो गया आपका बी ऑप्शन, क्लियर, बात समझ गए होगे। आगे चलते हैं, देखो भाई हम पूरा जितना भी चैप्टर करेंगे ना एरो के हिसाब से करेंगे, जिधर एरो जाएगा उधर ही रिश्ता रहेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाले लड़की से क्या संबंध है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, देखो हम विकास रख लेते हैं, विकास, विकास यहां पर एक फोटो दिखा रहा है, और फोटो में कौन है, कोई महिला है, लास्ट बोल रहा है ना विकास का, फोटो वाले महिला से क्या संबंध है, लड़की से, तो ये लड़की है कोई। अब इसके बारे में देखते हैं भाई, हो सकता है कि हमें इसकी जरूरत ना पड़े, हमारा उत्तर ही आ जाए, फिर भी हम एक बार प्रयास करते हैं। देखो
वह मेरे दादा। कौन कह रहा? विकास कह रहा, वह मेरे दादा, विकास का दादा। सी मान लेते हैं, विकास का दादा के इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र, पुत्र कौन है बच्चा वो, के मान लेते हैं के, ठीक है, की पुत्री, दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, पुत्री पी मान लेते हैं, ठीक है, पी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक बार अपने आप को समझो, विकास कह रहा है कि यह महिला के बारे में बात कर रहा है, ये महिला के बारे में बात कर रहा है कि मेरे दादा का एक पुत्र है, कि इकलौती पुत्री है। तो भाई ये किसका फोटो दिखा रहा है, ये फोटो तो पी है, फोटो किसका है, पी वाला है। तो अब इसका रिश्ता देख लेते, ये मैं हूं, ये मेरे दादा है, दादा की पुत्र मेरे पिता, क्या लगे, मेरे पिता, पिता की पुत्री मेरी क्या लगी, बहन, सही बात है। विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध भैया, बहन का संबंध, क्लियर बच्चा, बहन का संबंध। तो ये क्या लगी भाई, बहन लगी, ठीक है जी, ये ही बहन यहां पर हमने एक लाइन में रख लिया, ठीक है ना, क्लियर बात है। आगे चलते हैं, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने कहा, फोटो देखो भाई, जरूरी नहीं कि आप फोटो मतलब वो शब्द आप इसी के साथ जोड़ो, ये रिश्ता बताना बस, जो रिश्ता पता नहीं होता, ठीक है। तो महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, ये महिला का फोटो है इसमें, है ना, महिला, ठीक है भैया, महिला का फोटो, और कौन बोल रही है इसमें, मीरा बोल रही है, और मीरा कह रही है इसके पिता, किसके, जो फोटो वाली है, इसके पिता, हो सकता है मीरा का ही फोटो हो, सही बात है, इसके पिता जेड के एकमात्र पुत्र, इनका एक पुत्र वाई, मेरी सास एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी, एक बार फिर रिपीट करते हैं, इसके पिता, किसके, महिला के पिता, यानी मैं अपने आप को मान लेता हूं महिला मैं हूं, ये मेरे पिता, पिता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र की पत्नी, की पत्नी, इनकी भी पत्नी, पत्नी मान लेते हैं एस, पत्नी, ठीक है जी, पत्नी मेरी सास है, ये बोल रही है वो मेरी सास है, सास, क्लियर। अब देखो मीरा के पति, मीरा का पति यानी इन दोनों की संतान, इन दोनों की संतान, तो इसकी संतान बोलो या इसकी संतान बोलो, हम मान लेते हैं ए है, तो इन दोनों का क्या हो गया, वो पुत्र हो गया भाई, जब ही तो इसकी पुत्र वधु बनेगी। मीरा की के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, देखो ये अब आप रखो, ये आप, ये आपके क्या है, पापा, पापा के पुत्र, यानी आप हो, ये आपके पापा, पापा के पुत्र, तो आपके क्या लगे, भाई लगे, भाई, ठीक है बच्चा, ये आपके भाई की पत्नी, तो आपकी क्या लगी, भाभी, भाभी का बेटा, आपका क्या लगा, भतीजा, भतीजे की मिसेज क्या लगी, जो भतीजे की पत्नी होती है ना वो, ठीक है। अब इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि ये औरत कह रही है मीरा कि इनसे मेरे पति का क्या रिश्ता है, तो क्या लगी, देखो अगर बात की जाए फोटो वाली से क्या संबंध है, फोटो वाली से क्या संबंध है, तो उल्टा पूछा है कि ये क्या लगे, तो ये क्या लगेंगे भाई, ये लगेंगे भतीजे, ये तो बात शुरू में क्लियर होगी, ठीक है जी, तो आपकी बात समझ में आ गई ना, क्लियर। आगे चलते हैं, सीमा सुधीर की बहू है, सीमा सुधीर, सुधीर की क्या है, बहू, ठीक है जी, सुधीर की बहू। अब भाई बहू का अर्थ देखो गांव में तो होता है पत्नी, गांव की भाषा में बात करें तो पत्नी है, अगर बात करी जाए किताबी तो बहू का मतलब है पुत्र वधू, पुत्र वधू, पुत्र वधू, ठीक है, पत्नी का अर्थ, सॉरी बहू का अर्थ, और रमेश की भाभी है, रमेश की क्या है, भाभी, रमेश, ठीक है भैया, रमेश की भाभी है। अब कह रहा मोहन सुधीर का पुत्र है, सुधीर का एक पुत्र और है, पुत्र कौन है, मोहन,
ठीक है जी, मोहन, और रमेश का अकेला भाई है, रमेश का अकेला भाई है, यानी ये क्या भाई हो गए, ये सिर्फ दो भाई हो गए, ठीक है जी, ये सिर्फ दो भाई हो गए, रमेश का अकेला भाई। अब देखो कह रहा सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है। अब सुनो, आप सुधीर हो, सुधीर हो आपका ये बेटा है यानी पुत्र हो गया। अब ये इसको रमेश इसको कह रहा है मेरा अकेला भाई है, तो ये सुधीर का क्या होगा, ये भी तो पुत्र हो गया, तो सुधीर के क्या बच्चे हो गए, दो बच्चे। और इसको सीमा को क्या बुला रहा, पुत्र वधु, तो पुत्र वधु यानी ये इसे क्या बुला रहा, भाभी। तो भाई किसका रिश्ता रह गया, मोहन के साथ इसका रह गया, वो भी कौन सा रिश्ता रह गया, पत्नी वाला। तो ये क्या लगी, मोहन की पत्नी। तो आपको उत्तर क्या है भैया, पत्नी। क्लियर, ज्यादा समय तो व्यतीत करना ही नहीं है, सवाल बहुत आसान है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माँ है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। ठीक है जी, अब देखते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, सुरेश सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, आदमी का परिचय दे रहा है, और किस तरह दे रहा है, वह उस स्त्री का पुत्र है, पुत्र है, किसका पुत्र है पता नहीं भाई, किसका पुत्र है पर पुत्र है, स्त्री है, वो स्त्री है ना, स्त्री का पुत्र, जो मेरी माँ, जो मेरी माँ, किसकी, सुरेश की माँ, एम मान लेते हैं, ममता है, जो मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति, पति जेड मान लेते हैं, यानी आपके सुरेश के क्या हो गए, पिता हो गए, सही बात है ना, सुरेश के क्या हो गए, पिता, जो मेरी माँ के पति की माँ है, मेरे माँ के पति की माँ है, माँ, समझ भाई क्या बोल गया, ये कह रहा है जो मेरी माता के पति की माँ है। देखो एक बार हम रिपीट करते हैं, सुरेश कह रहा है कि भाई ये आदमी देख, ये आदमी देख, ये आदमी के, ये उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माँ के पति की माँ है, माँ की पति की माँ, तो ये मैं होगा, ये मेरी मम्मी होगी, मम्मी के पति यानी मेरे क्या होगे, पिता, पिता की मम्मी, मेरी क्या होगी, दादी, मेरी क्या होगी, दादी, अगर मेरी बात की जाए तो दादी है मेरी, दादी नाम रख देते हैं जी, अब मेरी दादी के पुत्र हैं तो मेरे क्या लगेंगे, या तो चाचा लगेंगे या फिर लगेंगे ताऊ, मेरे चाचा या ताऊ, ताऊ शब्द इसमें है नहीं, तो क्या है मेरे, फिर ये मेरे हैं चाचा। क्लियर बच्चा, तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, चाचा का संबंध। क्लियर, आगे चलते हैं। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, बहुत गजब के सवाल मिलेंगे भाई आगे देखना। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है जी, जो सुरेश है, सुरेश की बहन, बहन रख लेते हैं भाई खाली बॉक्स, सुरेश की बहन राम की वो पत्नी है, पत्नी, पत्नी का नाम आएगा बीच में रख देंगे राम। क्लियर भैया, राम रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है, भाई है, किसका भाई है, रानी का, रानी का भाई, ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर, अरे भैया अकेले राम के थोड़ी है, ये तो दोनों के हैं, सही बात है ना, तो कौन है मधुर, मधुर भैया, ठीक है बहुत अच्छे। शीतल राम की दादी है यानी मधुर की माँ है, मधुर की कौन है, वो माँ, कौन है, शीतल, शीतल, ठीक है, दोनों की क्या होगी, दादी, क्लियर बात है ना, राम की भी दादी और रीना की भी दादी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहां तक। ठीक है, अब बोल रहा है रीमा शीतल की पुत्र वधु है, पुत्र वधु, पुत्र वधु का मतलब क्या होगा, मधुर की पत्नी, मधुर की पत्नी कौन भाई, रीमा शीतल की पुत्र वधु है यानी इनकी क्या हो गई, मधुर की ये हो गई पत्नी रीमा, ठीक है भैया, रीमा जब इनकी पत्नी है तो राम की भी माता है और रानी की भी माता है, और जो यहां पर है उनकी क्या है, सास, ठीक है ना, जो राम की पत्नी है। अब रोहित,
रानी के भाई का पुत्र है रोहित। रोहित रानी के भाई, रोहित जो है ना रानी का भाई। रानी का भाई कौन है? राम। रोहित कौन है? पुत्र है रोहित। रोहित पुत्र है रानी के भाई का। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? देखो भाई, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोहित और सुरेश के बीच का अंतर हो गया है कि भाई इनके बीच में क्या रिश्ता है। सुरेश का एक क्या लगा, क्या लगा? देखो भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, भांजा दिखाई दे रहा, फिर भी आप एक बार समझे। देखो, ये आप हो, ये आपकी बहन है, ठीक है जी, और ये बहन के पति। ये अब देखो, ये क्या होगा, ये आप हो, ये आपकी बहन, ये पति, तो आपके क्या लगे? जीजा, ठीक है। और ये आपके जीजा का पुत्र है, तो आपका क्या लगा? ये लगा आपका भांजा। क्लियर भैया? तो ये मतलब होगा, बहुत बड़ा सवाल घुमा दिया, बाकी कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये आपका होगा डी उत्तर। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई, है ना। आगे चलते हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित? बहुत आसान बात है, देखो समझो। एक पुरुष का परिचय कराते हुए, किसका परिचय हो रहा है भाई? अब की बार पुरुष का परिचय, ठीक है। तो ये पुरुष हम ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। कौन करा रही है? महिला करा रही है, महिला। और किस रूप में करा रही है? रिश्ता हमको पता ही नहीं होता, है ना। तो कह रहा है इसकी पत्नी, किसकी पत्नी भाई? पुरुष की पत्नी। हो सकता है ये महिला खुद हो, फिर भी हम देखते हैं। इसकी पत्नी, महिला बोल रही है इसकी पत्नी, चलो नाम रख लेते हैं जय। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, वाई मान लेते हैं, की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री। अरे भाई, जब तू इसे इकलौती पुत्री बोल रहा है, तो फिर तू कौन है? तू भी तो इसकी, तू इसे क्या बुला रही? महिला कह रही है मेरी माँ है वाई, मेरी माँ है वाई। भाई जब तू इसे माँ बुला रही, तो ये क्या बुलाएगी? तो जब पुत्री बुलाएगी, पुत्री, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकती। तो ये किसके लिए बोल रही है? खुद के लिए बोल रही है। तो ये भाई हमेशा सवाल गलत होकर समझ में आता है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ये महिला अपने आप कह रही है कि इसकी पत्नी, तो ये किसकी पत्नी? इस पुरुष की पत्नी है, ठीक है, इस पुरुष की पत्नी है। और बोल रहा है इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ये खुद के लिए तो कह रही है। तो वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो भैया किस प्रकार संबंधित है? पत्नी से। क्लियर बात है ना? ठीक है जी, हमेशा ऐसे होते हैं भाई ये सवाल। रघु तथा बाबू जुड़वा है। जुड़वा मतलब भाई, ये देखो रघु तो पुरुष है, ये तो बात क्लियर है, बाबू महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, तो ये क्या है? जुड़वा है। तो हम इन्हें बाबू, बाबू शब्द वैसे पुरुष के लिए हम यूज कर लेते हैं, बच्चे के लिए भी चल रहा है तो यूज, ठीक है। बाबू की बहन रीमा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबू की बहन है रीमा, ठीक है भैया। रीमा कौन है? बहन। अरे भाई, तेरी बहन थोड़ी है, तो रघु की बहन है। सही बात है ना, दोनों की बहन, एक परिवार। रीमा का पति राजन है, ठीक है, पति है इनका राजन, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की जो मम्मी है ना वो कौन है भैया? लक्ष्मी, लक्ष्मी माता। अरे भाई, ये रघु तेरी माता नहीं है, ये रीमा की भी माता और बाबू की भी माता है। सही बात है ना, दोनों की माता है। सही बात है, लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति। पति मतलब, अरे भाई, रघु का, बाबू का, रीमा का क्या है? पिता है। सही बात है, पिता है। क्लियर है ना ये बात? आगे देखते हैं, राजेश का राजन से क्या संबंध है? बिल्कुल आसान है भाई, देखो एक बार रिपीट करते हैं। ये मैं हूं, ये मेरा भाई या बहन, कुछ भी हो सकता, नो प्रॉब्लम। ये बाबू की बहन यानी मेरी भी बहन, बहन के पति मेरे क्या लगे? जीजा। सही बात है। अब ये इसे क्या, देखो रघु इसे मम्मी बुला रहा, तो हम तीनों की ये क्या होगी? मम्मी। और राजन की क्या होगी? ये सास, सास। सही बात है। राजन इन्हें क्या बुला रहा है? पति। क्या बुला रहा है? पति, सॉरी, लक्ष्मी, लक्ष्मी से क्या बुला रही है? पति। तो देखो इसका ये क्या हो गया? ससुर, ससुर। तो इसने क्या पूछा? राजेश का
राजन से क्या संबंध है? तो बच्चा क्या संबंध है आपका? ससुर से। क्लियर है? अकॉर्डिंग ऑप्शन के। सही बात है। आगे चलते हैं। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है। तथ्यानुसार शीला का शांति से क्या संबंध है? बिल्कुल देखो भाई, शीला शीला रवि, रवि की क्या है? भाभी। जिधर आपका रिश्ता बनता है उधर एरो का चिन्ह लगा देते हैं हम, हमेशा भाभी लिख देते हैं उसके ऊपर आसान भाषा में। राम रवि का भाई है, राम जो है ना भाई है, भाई किसका? रवि का। ठीक है भैया। और राम की पत्नी शीला है, राम की पत्नी कौन है? शीला पत्नी। बिल्कुल, जब ये इसको रवि क्या बुला रहा है? भाभी बुला रहा है। ठीक बात है। अब बोल रहा है दीपा रवि की बहन है, दीपा जो रवि की बहन है, रवि की क्या भाई? राम की भी बहन है, दोनों की बहन है। कौन? दीपा। सही बच्चा एकदम। क्लियर बात है ना? रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, दीपा की माँ मम्मी शांति। ठीक है। अरे भाई तुम्हारी मम्मी नहीं है, हम तीनों की मम्मी है, रवि राम और दीपा की मम्मी है। ठीक है। तो शीला का शांति से क्या संबंध है? अब देखो, देखो शांति दीपा को क्या बुला रही है? बेटी। राम को क्या बुला रहा है? बुला रही है पुत्र। और रवि को क्या बुला रही है? पुत्र। और इसको क्या बुलाएगी? पुत्र वधू। पुत्र वधू क्यों? क्योंकि राम की पत्नी है। तो ये क्या बन गई भैया? ये बन गई इसकी पुत्र वधू, पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी। क्लियर बच्चा? बात समझ में आ गई ना? बहुत अच्छी तरीका से, है ना? चलते हैं आगे। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताएं कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? देखो, राजीव किसका? अतुल का। अतुल का भाई है। किसका भाई है? अतुल का भाई। ठीक है जी, एरो उधर ही लगा देंगे। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील कहां से रख दें हम? आगे चलते हैं। अतुल सोनिया का पुत्र है, जो अतुल है ना पुत्र है। किसका पुत्र है? सोनिया, सोनिया का पुत्र है। फिर वहां पर ही चलते हैं। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है, सुनील की बहन है, लिख दो तो भाई, सुनील की बहन हो गई। ठीक है। क्लियर भाई। आगे चलते हैं। तो बताएं राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? सोनिया से, का से भी पहले हम किसका यूज करते हैं? से का। तो हम इधर से चलेंगे, है ना? सोनिया का क्या लगा राजीव? ठीक है भाई, देखो आप अपने आप को रख लो, कहीं भी रख लो, आप मानो सोनिया हो, सपोज सोनिया हो, सुनील के तो आप बहन हो, ठीक है जी। और सुनील सोनिया का एक पुत्र है अतुल, अतुल का एक भाई है, कौन है? राजीव। अब ये क्या भाई? देख तू पुत्र है तो ये भी तो पुत्र ही हुआ, समझा भाई? क्योंकि अतुल से क्या बुला रहा? भाई बुला रहा है। तो सोनिया का ये क्या लगा? बेटा लगा। तो उसे क्या कहेंगे? पुत्र कहेंगे भाई। सही बात है ना? बिल्कुल। आगे चलते हैं। सीमा अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। सीता का गोपाल से क्या संबंध है? पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया भाई, देख लेते हैं। सीमा अशोक की भतीजी है, सीमा, सीमा अशोक की, तो भाई जो रिश्ता होगा उधर ही हम उसका नाम लिखेंगे। सही बात है बच्चा। ठीक है जी। तो क्या है? भतीजी है, भतीजी। ठीक है जी, ये होगी भतीजी अशोक की। अशोक की माता है लक्ष्मी, मम्मी का नाम क्या है? लक्ष्मी। ठीक है जी, लक्ष्मी मम्मी हो गई अशोक की, यानी सीमा की दादी हो गई, है ना? सही बात है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी जो है ना लक्ष्मी की माता है, माँ किसकी माँ? ये है भैया आपकी लक्ष्मी की माता, कल्याणी देवी। ठीक है। तो अशोक की क्या हुई? नानी।
सही कह रहा हूं ना भाई, अशोक ने माँ बुला रहा, माँ की माँ क्या हुई, नानी हुई। सही बात है जी। अब आगे देखते हैं, कल्याणी का पति गोपाल है। कल्याणी का जो पति है वो कौन है, गोपाल। ठीक है जी। तो ये क्या बुलाएगा इसे, ये बुलाएगा इसे नाना, और लक्ष्मी क्या बुलाएगी इसे, पिता। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात। पार्वती गोपाल की सास है, पार्वती गोपाल की सास है। देखो तो पार्वती देखते हैं, पार्वती गोपाल की सास है, अरे इसके नाना की भी सास है, सास। ठीक है भाई, सास तो हम लिख देते हैं पार्वती, पर इसका रिश्ता भी कहीं और जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, देखो गोपाल की सास है तो ये इसे पति बुला रही, तो कल्याणी की क्या होगी, ये माता होगी। सही बात है। ठीक है जी। तो बोल रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है, बस ये रिश्ता रह गया, तो ये बताना हमको सबके साथ। देखो आप अपने आप को मान लो, आप अशोक हो, अशोक की मम्मी यानी आपकी मम्मी, मम्मी की मम्मी अशोक यानी आप हो, तो आपकी क्या लगी, नानी। मैं अपने आप से मानता हूँ ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, मम्मी की मम्मी मेरी क्या लगी, नानी। नानी के पति मेरे क्या लगे, नाना। नाना की सास, नाना की सास जो हमारी नानी है उनकी मम्मी। सही बात है। पर ये बात हुई है यहां से तक, यहां से आगे की नहीं है। तो ये हो गया गोपाल, मैं इनका बेटा हूं और ये मेरी भतीजी है, यानी मेरे भाई की बेटी हो गई। ठीक है। तो अब देखो गोपाल का इससे क्या रिश्ता हुआ, पोती। ठीक है, पोती में भी आप ये कह सकते हो, पोती तो लक्ष्मी की हो गई, पड़ पोती है ना, पड़ पोती, पड़ पोती है इसमें कहीं ऑप्शन, पड़ पोती, पड़ पोती की बेटी। नहीं जी, गोपाल सीमा का पिता है, बिल्कुल नहीं जी। सीता लिख गया, सीमा है ना, सीमा। कोई बात नहीं भैया, ये सीमा है, पक्का सीमा है ना, सीमा गोपाल की पड़पोती है, सीमा गोपाल की क्या है, पड़पोती है। क्लियर बात है ना, पड़पोती आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अरे भाई वाह, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। अपने बच्चों में यानी गंगा बोल रही है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। राम कौन है, पुत्र का ही नाम हो सकता है, राम कभी पुत्री का नाम नहीं होता है ना, और रेखा कौन हो गई, पुत्री हो गई है ना, जेंडर के हिसाब से तो नाम रखे जाते हैं भाई। ठीक है जी, रेखा, बिल्कुल सही बात है। रेखा शरद की माँ है, शरद की माँ किसकी मम्मी है, रेखा शरद। ठीक है जी। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, यानी गंगा के एक पुत्र और है, जो कौन है वो, एक पुत्र ही लिख देते हैं और नाम लिख देते हैं क्या, मिथुन। इसको हटाकर हम थोड़ा अलग रखते हैं ना, ये थोड़ा नाम कंफ्यूज करेगा। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये मामा ना, तो रेखा का भाई लिख देता हूं, भाई। भाई कौन है, मिथुन। ठीक है, मिथुन है। अब कह रहा है परिवार के मुखिया रामलाल हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई गंगा के पति हैं, कह नहीं सकते क्योंकि दादा हुए। ठीक है जी, रामलाल जिससे उत्तराधिकारी दो हैं, एक गोपाल है एक मोहन है। गोपाल और गंगा का 35 वर्ष पहले शादी हो गई थी, देख लो भाई वो बात आ गई ना। तो अब देखो गोपाल यानी गंगा के पति कौन हो गए, पति ये हो गए भाई गोपाल। गोपाल, गोपाल का एक भाई है, भाई जिसके परिवार के बारे में शायद कुछ ना मिले हमें यहां पर, है उसका नाम है मोहन। ठीक है जी। और इनके भी पापा कौन है, इन दोनों के पापा कौन है, इनके पापा हैं, पिता है ना कौन है, रामलाल। सही बात है, रामलाल। ठीक है जी, रामलाल। और तीनों तीन बच्चे हैं, समझना, गोपाल और गंगा 35 वर्ष पहले शादी हुई और उनके तीन बच्चे हैं। मोहन और मिथुन के बीच में क्या संबंध है, गंगा के तीन बच्चे कहाँ थे, दो प्रिय थे। अरे भाई सुन, गंगा एक राम पुत्र, एक कौन है, रेखा पुत्री है। ये शरद इसको रेखा को माँ बुला रहा है और ये बोल रहा है कि ये मेरा मामा, मामा। तो मिथुन कौन हो गया, तीसरी संतान हो गई गंगा की। ठीक है, तो अब इसने कहा है मोहन और मिथुन के बीच में क्या संबंध है, मोहन और मिथुन के बीच में क्या संबंध है। देखो भाई ये संबंध बुझा दोनों के बीच का। अब देखो
आप गोपाल हो, आपकी पत्नी कौन है? गंगा। गंगा के कितनी संतान है? तीन संतान है, एक देवता भी है, ठीक है, और गोपाल का एक भाई है। देखो तो ये आप हो या आपका भाई है? आपका भाई आपकी संतान को क्या बुलाएगा? भतीजा, पुत्र में। और ये क्या बुलाएगा? चाचा। तो आपका होगा चाचा और भतीजा, ठीक है, भतीजा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन होगा हमारा ए। क्लियर भाई? बेहतरीन सवाल, एकदम कुछ था भी नहीं यार, सब कुछ था। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है, बिल्कुल जी, प्रीति का एक पुत्र, प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। क्या नाम है? अरुण भाई है, अरुण नाम, ठीक है जी। अरुण राम प्रीति का भाई है, राम जो है ना प्रीति का भाई है, भैया कौन है? राम, राम। तो अरुण का क्या लगा? मामा, ठीक है जी। नीता भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की रीमा नामक एक पुत्री है। रीमा, नीता कहाँ से आ गई भाई? आगे देखते हैं। नीता राम की बहन है। किसकी बहन है? राम की बहन है। कौन? नीता। अरे भाई आपकी बहन थोड़ी है, किसकी? प्रीति की भी बहन है, अरुण की मौसी है। अब फिर शुरू से वहीं चलते हैं। नीता की रीमा नामक एक पुत्री है। कौन है? एक पुत्री है जिसका नाम रीमा है। सही बात है जी। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? देखो भाई ये तो मौसी के हो गए, मौसी के हो गए ये तो। अब देखो एक बार समझ लेते हैं। ये देखो प्रीति का एक पुत्र है अरुण, मान लीजिए आप अरुण हो, आपकी मम्मी होगी प्रीति, प्रीति का भाई यानी आपका क्या लगा? मामा। आपकी बहन यानी प्रीति की बहन यानी आपकी क्या लगी? मौसी। मौसी की बेटी आपकी क्या लगी? मौसेरी बहन। अब ये आपको क्या बुलाएगी? क्योंकि इसने कहा है अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो हमको इधर बताना है अरुण भैया क्या लगे। तो अरुण भैया लगे मौसेरे, मौसेरा भाई। कोई दिक्कत अरुण के बारे में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। क्लियर भैया? ठीक है जी, आगे चलते हैं। ए बी का भाई है, ए क्या है? बी का भाई है, ठीक है जी, और सी ए की माँ है। सी डी सी के पिता है, बी डी की नाती हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? ए का पुत्र है, रिश्ते में ए का पुत्र है। देखो ए बी, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है जी। सी ए की माँ है, जो सी है ना, सी ए की माँ है, सी माँ है। अरे तो भैया बी की भी तो माँ हुई, क्योंकि बी जो इसको भैया बुला रहा है, ठीक है। अब बी पुरुष भी हो सकता, महिला भी हो सकता, पर ये तो माँ तो समान ही रहेगी दोनों की, ठीक बात है। डी सी का पिता है, जो डी है ना, सी का पिता है, डी पिता है, मम्मी का पिता है, यानी हमारा क्या लगा? नाना, ये हमारा नाना है, ठीक है। और अब बोल रहा है बी डी की नाती है, जो बी है ना डी की नाती, यानी ये क्या हो गई? नाती। नाती मतलब देवती। तो इसके क्या लगी हो? बहन। सी की क्या लगी? पुत्री। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? ए का पुत्र, ए का पुत्र है, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? ये लाइन अभी देखते हैं एक बार। बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, बी एफ का क्या लगा? अरे अच्छा, ठीक, क्योंकि देखो भाई बी का एफ से क्या रिश्ता लगा? ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है? एफ है, क्योंकि ये बात तो हमने देखी नहीं। यहाँ पर कह रहा ना बी का एफ से क्या रिश्ता है और ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन होगा? एफ ही होगा भाई, ठीक है। तो बी का एफ से क्या रिश्ता है? अब हमको बी का एफ से रिश्ता बताना है, ठीक है जी। अब देखो ये तो मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, तो बहन इसको क्या बुलाएगी? अब देखो ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, मेरी बहन को मेरा पुत्र क्या बुलाएगा? बुआ बुलाएगा, चचेरी बहन तो बुलाएगा नहीं, ना भतीजी बुलाएगा ना दादी, तो क्या बुलाएगा? ये बुआ। क्लियर भाई? सही बात है, बेहतरीन सवाल है एकदम। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है,
ए का भाई तो एरो किधर गया, एफ की तरफ, क्योंकि भैया है एफ। ए पता नहीं है जेंडर में पुरुष है या महिला, बाद में देख लेंगे। सी ए की पुत्री है, सी जो है ना, सी ए की पुत्री है, तो सी पुत्री हो गई भैया है। अब भी पता नहीं चल पा रहा है पुरुष या महिला। के एफ की बहन है, जो के है ना एफ की बहन है, के एफ की बहन के है भी, बिल्कुल सही बात है। आगे बोल रहा है जी सी का भाई है, जो जी है ना वो सी का भाई है, जी भाई है, तो इसका क्या हुआ, पुत्र, पुत्र, खाली पुत्र है ना, पुत्र। जी का चाचा कौन, जी का चाचा कौन, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसने चाचा शब्द यूज किया ना, तो भैया यह बात को याद रखना, क्योंकि ये पुरुष रहेगा फिर। अगर ये नहीं लिख के देता ना, तो फिर हम इनमें आंकड़े नहीं लगा सकते। क्लियर? कैसे? देखो, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, भाई की बहन तो मेरी भी बहन, सही बात है, और ये मेरी पुत्री है और ये मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र मेरे भाई को क्या बुलाएगा, चाचा, क्या बुलाएगा, चाचा, ठीक है। तो इसमें चाचा कौन है, इसमें चाचा है एफ। क्लियर भाई? जब इसको मैं खुद मानूंगा जेंडर में पुरुष, तब होगा ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ए का, ए बी का पुत्र है, जो ए है ना पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, तो पुत्र लिख देते हैं भैया, है ना, पुत्र। बी और सी बहन है, बी और सी बहन है, बी और सी बहने हैं, तो ये भी बहन है, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है, बहने। ई सी की माता है, जो ई है ना सी की माता, अरे भैया दोनों की माता है, तो ई कौन है, माँ है दोनों की, है ना, बी की भी माता और सी की माता, सही बात है। यदि डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र, डी ई का पुत्र है, तो कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल जी, ऑप्शन पे निर्भर हो गया, पर एक बार रिश्ता बना लेते हैं परिवार का। देखो, ये अपने आप को पुरुष मान लेते हैं, ये मैं हूं, मैं इनका पुत्र हूं, तो ये मेरी क्या हुई, माता हुई। अब ये इनको क्या बुला रही है, माता, ए और सी, तो ये मेरी क्या लगी, दोनों बहने लगी मेरी ये, ठीक है। तो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, ये मेरे दोनों बहन है, बहन का पुत्र क्या लगा, मेरा दया, क्या भांजा। तो सवाल देख लेते हैं, डी ए का मामा है, डी जो है ना ए का मामा, मामा, बिल्कुल सही बात है, डी जो है ना ए का क्या लग रहा है, मामा लग रहा है भैया, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। आप कहो जी आगे देख लेते हैं, ई बी का भाई है, जो ई है बी का भाई है, अरे बी का भाई नहीं है तो मम्मी है, गलत हो जाता। डी ए का ममेरा भाई है, ममेरा भाई का तो कोई जिक्र ही नहीं आया भैया, सब एक ही परिवार है। आगे बी और डी भाई है, बी और डी भाई है, बी क्या है, बहने, दोनों क्या है, बहने, और डी क्या, अकेला भाई, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, हमारा उत्तर आ गया ए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। वेरी गुड। देखो, औरत को उस व्यक्ति से कैसे संबंध है, तो देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, व्यक्ति का परिचय दे रही है एक औरत, व्यक्ति, और परिचय भी किस रूप में दिया, औरत ने, औरत ने किस तरह दे रही है भाई, वह मेरी माँ, औरत कह रही है वह मेरी माँ, इसकी माँ, वाई मान लेते हैं, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ, एस मान लेते हैं, औरत की मम्मी की माँ, यानी औरत की क्या होगी, नानी, सही है भैया, नानी। वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, इनका ये कौन है, इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र का मतलब क्या होगा, मेरी मम्मी का भाई है, यानी मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा मामा, सही बात है, मेरा क्या लगेगा, मामा। तो अब कह रहा है कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, औरत से उस व्यक्ति का संबंध पूछा, औरत का उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति से क्या हो गया,
तो देखो ये औरत है तो ये क्या लगेगी, अरे भैया देखो ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी है, मम्मी के भैया मेरे क्या लगे, मामा मैं मामा का क्या लगा, तो भांजा या भांजी, तो मैं औरत हूं तो भांजी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भैया, बात समझ में आई ना? ठीक है जी। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, कमल कह रहा है भैया, कमल, यदि कमल ने कहा कि, कमल कहता है कि रवि की माँ, रवि की मम्मी, माँ नाम रख लेते हैं वाई, रवि की माँ, मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है, अब यहां पर क्या नाम रखेगा, वाई रखेगा भैया, वाई तो रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो रवि की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, अच्छा, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यहां पर एस रख लेते हैं, की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो भाई कमल कहता है कि रवि की मम्मी, रवि की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, रवि की जो मम्मी है मेरी मम्मी की इकलौती पुत्री है, तो देखो ये रवि यानी मैं, ये मेरी माता, और इनकी ये इकलौती पुत्री, तो मेरी क्या होगी, नानी, और कमल मेरी नानी को क्या बुला रहा है, माँ, तो सीधी बात है कि नानी का ये क्या हो गया, पुत्र, तो मेरे क्या हो गए, मामा, रिश्ता में रिश्ता कितना ही बना लो भैया, तो ये कह रहा है कमल का रवि से क्या संबंध है, दादा का बिल्कुल नहीं, पिता का बिल्कुल नहीं, भाई का बिल्कुल नहीं, तो क्या है, अरे भैया ये तो मामा है, रवि के क्या लगे, मामा लगे। क्लियर है भैया, सही बात है, आगे चलते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा वह मेरी बहन की माँ का पति का पुत्र है, तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, ठीक है जी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, औरत बोल रही है भैया, और ये रिश्ता किसी को नहीं पता, अब इन दोनों का क्या होगा, ठीक है ये बहन भाई पति पत्नी चैन क्या बैठ जाए यार, पर फिर भी हम मानेंगे, वह मेरी बहन, इसके बारे में बोला वह मेरी बहन, आदमी को इशारा करते औरत ने कहा वह मेरी बहन, वह मेरी बहन, बहन वही मान लेते कि माँ, बहन की माँ, एस का पति, का पति जेड मान लेते हैं, पति का पुत्र है, का पुत्र है, आदमी का और से क्या संबंध है, देखो भाई फिर समझो, आदमी को इशारा किया इसने, वह मेरी बहन, मेरी बहन इसकी बहन होगी, वह मेरी बहन की माँ, ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन ठीक है की माँ यानी इसकी भी माँ हो गई, के पति यानी इसका क्या हो गया, पिता हो गया, का पुत्र है, तो क्या हो गया, औरत का ही क्या लगा, भाई लगा, और आदमी का ही क्या लगी, बहन लगी, तो इसमें क्या बूझा, औरत से आदमी का बूझा, तो क्या लगेगा भैया, भाई लगेगा, क्लियर है ना, भाई लगेगा, आगे चलते हैं, ठीक है ये क्लियर भाई, आपकी बात समझ में आई होगी, और भाई आसान सवाल कोई सा नहीं था, कि आप देखोगे कि भाई देखते ही सवाल का हल हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीका से आपको बता दिया भाई, शुरुआत है हमारी अब रीजनिंग में, आगे बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर और एक ही ट्रिक पर आधारित चैप्टर लेकर आऊंगा भाई, जो आपको बिल्कुल समझ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया।